हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वादिष्ट खाना में। और आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी पुडिंग, जो एक स्वीट डिश है और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है और हमने फ्लेम को ऑन नहीं करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कटोरी सूजी, जो मैंने बारीक वाली सूजी ली है वो डाल देंगे इसके अंदर। इसी कटोरी से हमने चार कटोरी दूध डालना है। और यहाँ पे मैंने इसमें चार कटोरी दूध डाल दिया है। अब इसको हमने हल्का इसको मिक्स कर लेना है एक बार। और इसको मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और हल्के हल्के हमने इसको चला लेना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से इसको हमने चलाना है। और इसको हमने हल्का सा गाढ़ा कर लेना है। और जो चीनी है वो लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर। और सूजी को हमने चलाते हुए पकाना है, क्योंकि अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो जो सूजी है वो नीचे से लग जाएगी, जल जाएगी, इसलिए इसको चलाते हुए हमने पका लेना है। और यहाँ देखिए, जो हमारी सूजी है वो हल्का हल्का गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने चीनी ऐड करना है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कटोरी चीनी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सभी के अंदर। और चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है और सूजी को हल्का गाढ़ा कर लेंगे। और यहाँ देखिए, जो हमारा पुडिंग का मिक्सचर है वो गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। अब इसको हमने फ्लेम से नीचे उतार लेना है। और जो पुडिंग का मिक्सचर है उसे मैंने फ्लेम से नीचे उतार लिया है। अब इसको हमने एक मोल्ड के अंदर डालना है, तो मैं यहाँ ले लूँगी एक मोल्ड। अब इसके अंदर हमने पुडिंग का मिक्सचर डाल देना है। और पुडिंग को मैंने मोल्ड के अंदर अच्छे से पोर कर लिया है। अब इसको हमने बराबर कर लेना है। और इसको बराबर करने के बाद हमने इसको फ्रिज में रख देना है 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हमारी सूजी की पहली लेयर सेट हो रही है, तब तक उसकी दूसरी लेयर की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हमें, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन, उसके अंदर हमें डालना है दूध। और जिस कटोरी से हमने दूध नापा था उसी कटोरी को हम लेंगे। और उसी कटोरी से हमने तीन कटोरी इसके अंदर हमने दूध डाल देना है। और सारा मेजरमेंट मैं इसी कटोरी से कर रही हूँ। अगर आपको गिलास से करना है उससे भी कर सकते हो, कप से करना है उससे कर सकते हो, कोई भी कटोरी से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इस कटोरी से तीन कटोरी दूध डाल दिया इसके अंदर। अब डालेंगे आधी कटोरी चीनी। इसमें अब डालेंगे मिल्क पाउडर आधी कटोरी। और ये सब डालने के बाद इसको हमने एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने दो चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है। दो चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम रखेंगे फ्लेम के ऊपर और इसको पकाएंगे। और दूध को मैंने रख दिया फ्लेम के ऊपर और फ्लेम को ऑन करेंगे। और इसको भी हमने चलाते हुए पकाना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और ये जले ना। तो इसको अच्छे से चलाते हुए हमने इसको गाढ़ा कर लेना है।
और यहाँ देखिए जो हमारा दूध है वो हल्का हल्का गाढ़ा हो चुका है। इसको हमने 1 मिनट के लिए और चलाते हुए इसको पकाना है, हल्का सा और गाढ़ा करना है हमने इसे, और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो एक बार इसको इफ्तार में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसको 1 मिनट के लिए और हमने चलाते हुए इसको पका लेना है। और यहाँ देखिए जो हमारा दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए हमें इतना ही गाढ़ा रखना है इसे। अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है, इसको भी हमने फ्लेम के ऊपर से उतार देना है। अब इसको हमने हल्का ठंडा करने के बाद इसको मोल्ड में डाल देना है। तो ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, अब हमने मोल्ड को फ्रिज के अंदर से निकाल लेना है। और इसके ऊपर ये हमने दूध का मिक्सचर पोर कर देना है पूरे में अच्छे से। और मैंने सारे दूध के मिक्सचर को इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको फिर से हमने 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। चॉकलेट पुडिंग है वो रेडी है, अब इसके ऊपर पिस्ता से गार्निश कर देंगे। पिस्ता से गार्निश करने के बाद इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारी जो पुडिंग है वो बनके तैयार है। तो इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।